दोस्तों नमस्कार, ये है हमारा DX 6000 वाट एम्पलीफायर रिपेयर का तीसरा और आखिरी भाग। ये फाइनल भाग है, फाइनल पार्ट है। और इसमें अभी हम जो ट्रांजिस्टर की बेस पे रेजिस्टेंस लगी है 4.7 ओम की छोटी वाली, उसको चेक कर रहे हैं कि इसका एक सिरा बेस से जुड़ गया है प्रॉपर कि नहीं, और दूसरा सिरा प्लेट से जुड़ा है कि नहीं, या ये रेजिस्टेंस ओपन है। क्योंकि यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में चेक किया था 500 ओम के आसपास बन रहा था, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें ओपन मिली है। ये रेजिस्टेंस जिस तरह का फ्यूज होता है, लेकिन फ्यूज तो डायरेक्ट ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होती है, जो जितनी रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू इस पर कलर कोड से अंकित की गई होती है, उसी से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जितने भी वैल्यू का होता है, जैसे ये 4.7 ओम क्वार्टर वाट का है, तो ये मल्टीमीटर से उसको बता नहीं रहा है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। और इसको तो जब ये लग जाएगा तब हम चेक करेंगे कि क्या इसके बेस और एमीटर पे हमें 9 ओम रेजिस्टेंस मल्टीमीटर बताने लगा है या नहीं। हम सिर्फ 9 ओम को ही नहीं चेक करेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी चेक करते रहेंगे कि क्या हमें कलेक्टर से एमीटर पे और कलेक्टर से बेस पे एक तरफ 400-500 ओम और दूसरी तरफ कुछ नहीं मिलना चाहिए, चेक करते रहना पड़ेगा। तो ये इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, और सबसे लास्ट में जो ट्रांजिस्टर इसमें होगा उस पर हमें 220 से 230 ओम के आसपास मिलना चाहिए। वही एक ट्रांजिस्टर होता है जिस पे इतनी वैल्यू होती है लास्ट वाले पे, तो वो अगर ऐसा मिलता है तो भी हम उसको सही मानेंगे और वो सही माना जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीमीटर को आपस में लगा के पहले कंफर्म कर लेना है कि हमारा मल्टीमीटर सही रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पर अब हमें 9 ओम के आसपास मिलने शुरू हो गए हैं, तीसरे ट्रांजिस्टर पे भी हैं, और अब हम कलेक्टर से एमीटर और कलेक्टर से बेस पे भी चेक करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एक तरफ में 100 होना चाहिए, दूसरी तरफ 400 के आसपास नहीं 100 होना चाहिए, ये भी चेक करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट वाले ट्रांजिस्टर पे हमें 220 से 230, किसी किसी एम्पलीफायर में 250 होता है, तो जितने जैसे अलग अलग मॉड्यूल का थोड़ा सा हिसाब किताब होता है, तो अगर इतना मिल जाए तो हमें ठीक है। अब हम कैसे पक्का करेंगे कि हमें इतना ही मिलना चाहिए? जब सारे पार्ट्स आप लगा देंगे तो दोनों साइड के, जब एक ही मॉड्यूल के दोनों साइड के ये लास्ट वाले ट्रांजिस्टर को जब आप चेक करेंगे तो उनकी वैल्यू लगभग सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक तरफ 200 मिल रहा है, एक तरफ 250 मिल रहा है, तो आप ये मान लें कि दोनों में से किसी एक तरफ गड़बड़ी है। अगर दोनों 220 या 225 मिल रहा है, तो आप ये मान लें कि हाँ अब इतनी ही वैल्यू है और ये सही है, नहीं तो उस पर लगी रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने 5 वाट की रेजिस्टेंस को पिछली वीडियो में निकाला था, उसकी पिन यहाँ लगी रह गई है, और यहाँ से हमें 1/4 वाट की रेजिस्टेंस भी निकाली थी हमने, उसको भी हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और याद करा दूँ कि पिछली वीडियो में या उससे पहले मैं 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम बोलता रहा हूँ कि यहाँ लगभग इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन अब मैं 9 ओम ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इस मॉड्यूल के दूसरी साइड पे 9 ओम सभी रेजिस्टेंसों पे मिला था। तो अब हमने ये मान लिया है कि इधर भी हमें इतना ही मिलना चाहिए, अगर उधर हमें इतना मिला है तो, जब तक उधर कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक हम इस अंदाजे में रहते थे कि हमें यहाँ 8 ओम मिलना चाहिए, 9 ओम मिलना चाहिए, 10 ओम मिलना चाहिए, लेकिन अब हमें एक सटीक नंबर मिल गया है उस तरफ जब कंप्लीट हो गया तब, कि हाँ अब हमें उतना ही इधर भी खोजना है। तो ये बात आप नोट कर लें, और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है रिपेयर का, इससे इसका बैलेंस बनेगा। अगर दोनों साइड एक जैसी रेजिस्टेंस मिल रही है 9 ओम्स के आसपास, तो आप ये मान के चलें कि ये अब दोनों इस मॉड्यूल का जो प्लस और माइनस दोनों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, मतलब एक PNP एक NPN, और दोनों के जो ड्राइव बनेंगे वो बैलेंस उनका रहेगा, और एक समान रेजिस्टेंस जब एक 100 होने लगेगी तो। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 500, अच्छा अभी हमने 1/4 वाट की रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, अभी हमने 5 वाट की रेजिस्टेंस लगाया है, इसी करके अभी यहाँ पे 500 ओम के आसपास हो रहा है। तो अभी हम 1/4 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, तब शायद हमें यहाँ पे वो वैल्यू मिल जाए जिसको हम खोज रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने लगा दिया है क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस भी, और अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें वो वैल्यू मिल रही है जिसको हम अभी तक खोज रहे थे, और जो कलेक्टर से मीटर पे उस पर 300 से 400 ओम के आसपास मिल रही है। मल्टीमीटर घुमा के पलट के, मल्टीमीटर की प्रॉब को पलट के चेक करने से हमें एक तरफ कलेक्टर टू मीटर शो होना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं शो होना चाहिए, तो वो भी हम इसको चेक करते कर रहे हैं। और ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो जो इसमें वो लगा होता है टेम्परेचर थर्मिस्टर वो है, इनको बस आपको दिखाने के लिए चेक कर रहा हूँ। अभी तो हमारा मेन मकसद सिर्फ, ये आमतौर पे ख़राब नहीं होते हैं, हमारा मेन मकसद सिर्फ ट्रांजिस्टर को चेक करना है, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं कि इनकी कंटिन्यूटी कैसे होती है, तो बस उस लिए चेक कर रहे हैं। अब यहाँ हमें 9 ओम के आसपास यहाँ भी मिल गया है। अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। हमारे जो पीए टेक 1 चैनल है उस पर हम स्पेयर पार्ट्स के वीडियो डाल रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप में, जो आम यूज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिपेयर लाइन में यूज होते हैं, उनके भी वीडियो क्लिप बना के उस पर डाल रहे हैं, तो ज़रूरत पड़े तो उनको भी देखना। इसके बाद जो अजय का चैनल है डीजे सिस्टम्स, उस पर भी रिपेयर के वीडियो डाले जा रहे हैं। आज जो केके का चैनल है, हालांकि सारे एक ही चैनल हैं, मैं ही सबको ऑपरेट करता हूं, तो वहां पर भी काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं, उस समय उतने चैनल बन गए थे, तो अब काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो धीरे धीरे उसको भी चलाना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी रिपेयर की वीडियो डाली जा रही हैं। और मैंने नोटिस किया है कि जब मैं 208 इस तरह के छोटे सेट की वीडियो डालता हूँ तो काफ़ी उस पर व्यू आते हैं, काफ़ी लाइक आते हैं, और जब बड़े एम्पलीफायर के वीडियो या जो जैसे ये स्पार्कलर और ये जो शार्पी और ये इन सब की वीडियो, उस पर हमारे पास जो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वहाँ उस पर मतलब वो उसको उतना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की पसंद के हिसाब से ही ज़्यादातर छोटे सेटों को ही डालूँगा रिपेयर के लिए, जो आप लोगों को जैसे जैसे आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर टाइम मिला है और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो गई है, तो चाहे सेट बड़ा हो छोटा हो जो भी रहेगा वो डालेंगे, लेकिन आपकी पसंद का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम इसको थिनर से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ बहुत सारा लगा था पेस्ट वगैरह, इससे पहले भी बहुत सारे पेस्ट लगे थे, इससे साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे मॉस्फेट। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया है कम्प्लीट, और अभी हम यहाँ पे मॉस्फेट डालेंगे। तो जो क्वालिटी कंटेंट आपको देना चाहिए वो भी दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग छोटे छोटे क्लिप में करते हैं, और रात को 12-1 बजे तक उनको जोड़ता हूँ, फिर जब सब सो जाते हैं तब उसमें आवाज़ डालता हूँ, तो इस करके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और यहाँ 3-3 कैमरे लगे होते हैं, और काम का प्रेशर होता है, ग्राहक का प्रेशर होता है, तो उस करके जो है मैं खुला खुला इसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जितना मैं कर पा रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, ताकि आप इसको इसको कैसे ठीक करना है या क्या चेक कर रहा हूँ वो आप समझ सकें। तो इस बात के लिए क्षमा करना जो छोटी मोटी गलती होती है। अभी हम सबको रिसोल्डरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो अल्ट्रा फास्ट डायोड होता है, ये अल्ट्रा डायोड या अल्ट्रा फास्ट डायोड या अलग अलग लोग इसको नामों से जानते हैं, इसके जो पिने हैं इसको भी हम रिसोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि इससे पहले सब ट्राई किए गए थे, सबको निकाल निकाल के लगा लगा के जिसने भी किया था, तो हम पहले सबको इसको भी रिसोल्डरिंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर लगाएंगे मॉस्फेट। तो मॉस्फेट इसमें 80N10 लगा था, जो ये 80N10 था, लेकिन 80N10 मिल नहीं पाया, तो 86N10 मिला है, यानी 80N10 की जगह हम इस पर 86N10 लगाएंगे, और ये हमें बाज़ार में मिल नहीं पाया, उपलब्ध नहीं था किसी के पास, तो इसको लगाएंगे। और ये 86 एम्पियर का है और वो 80 एम्पियर का था, तो उससे ठीक ही है, उससे हल्का नहीं है। तो यहाँ से हमने 2 मॉस्फेट इधर से और 2 मॉस्फेट उधर से निकाले थे, इसको लगा देंगे। इसमें पहले कंपाउंड हीट सिंक पेस्ट को लगा लेंगे, और इसकी जो पैकिंग है उसको भी लगा लेंगे। पिछले मॉस्फेट जब हमने निकाले थे तो उस पर हमें पैकिंग भी नहीं मिली थी,
तो हम उसके लिए पैकिंग का एक पाउच आता है छोटा सा, उसमें स्क्रू भी होता है, प्लास्टिक का जो उसका रिंग होता है वो भी होता है, और एक सीट भी होती है। तो सीट हमें थोड़ा बड़ी मिली है, छोटी नहीं है, लेकिन छोटी बड़ी रहने पे उसको काट के हम थोड़ा छोटा बना सकते हैं, पर छोटी को बड़ा बनाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको लगा लेंगे और फिर इसको कस देंगे। तो ये मॉस्फेट हमने लगा दिया है, और मॉस्फेट में भी तीन पिनें होती हैं, जिसमें होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। जैसे ट्रांजिस्टर में बेस, एमिटर, कलेक्टर होता है, उसी तरह ये मॉस्फेट में जो गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। तो इसमें जो ड्रेन है वो बीच में है, उस पर मल्टीमीटर लगा के दोनों जो गेट है और सोर्स है दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पहले वाला ट्रांजिस्टर मॉस्फेट था वो ख़राब मिला था, तो नए की क्या टेस्टिंग है वो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक कार्ड लगा होता है, जो मॉस्फेट ड्राइव करने के लिए कार्ड लगाया गया होता है। इसकी बहुत जटिल सर्किट होती है, इस पर SMD पार्ट लगे होते हैं। हालांकि वहाँ उतनी बारीकी में कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब कभी होता है तो सीधा इससे जो है ड्राइव कार्ड को ही बदल दिया जाता है, या फिर उस पर LM311 जो IC होता है वो लगा होता है। एक कार्ड पे ये दो लगा होता है, तो उसको बदल के देख लिया जाता है या फिर उसको सीधा ही बदल दिया जाता है। उतनी बारीकी में जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, तो हमें जो पार्ट्स ख़राब मिलते हैं उनको बदल देते हैं। और मुझे इतने टाइम में सिर्फ दो बार इसके जो ड्राइव कार्ड है इसको बदलने की ज़रूरत पड़ी है, बाकी वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आती है। तो अभी हमने सारे ट्रांजिस्टर को लगा लिया है और सारे मॉस्फेट को लगा लिया है, और जब कभी उस लेवल तक बात आएगी या कभी कार्ड वार्ड बदलेंगे तो उस पर और जिक्र करेंगे, जो ज़रूरत होगी थोड़ा रिसर्च भी कर लूँगा ऑनलाइन वगैरह कैसे होता है, लेकिन मुझे तो कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी ऑन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन आएगा कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद बंद होना चाहिए। देखते हैं, बंद हो जा, तो बंद हो गया है। प्रोटेक्शन का जो था कुछ सेकंड लगाने के बाद वो बंद हो जाता है। अभी ड्राइव चेक कर लेंगे हम, जो कि हमें पॉइंट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 0.35 के आसपास मिल रहा है, जो हमें बेस पे मिलना चाहिए। इसकी जो ब्लैक प्रॉब है उसको हमने ग्राउंड से जोड़ा है, यानी जो इसका अर्थ वाला पॉइंट है, या आप ये कह सकते हैं कि जो स्पीकर का जो ब्लैक वाला टर्मिनल है वहाँ से जोड़ा है। तो इसी तरह हम सारे ट्रांजिस्टर के बेस पे ड्राइव चेक कर लेंगे। हमें 0.3 के आसपास इधर मिल रहा है, 0.35, और इसी तरह हमें उधर भी चेक कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, हमें सारा कुछ बिल्कुल सटीक मिल गया है जो हमें चाहिए था, ड्राइव और ये दोनों साइड के हमें लगभग एक जैसे ही मिल गए हैं। और ये माइक है,
हमारा जो चैनल था वो चल गया है। हेलो हेलो, अभी हमने ए साइड में लगा रखा है, तो इसको बी साइड का मॉड्यूल हमने रिपेयर किया था और इसको लगा लेते हैं बी साइड में। तो ये भी चल गया है। हेलो 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 हेलो, बोलने से सिग्नल हमें मिल रहा है वॉल्यूम का। हेलो हेलो, बोलने के साथ हाँ तो हो गया है दोस्तों। ये बिल्कुल ओके हो गया है इसी तरह। और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसकी सर्किट कैसा होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, क्यों उसमें समय खराब करना है। मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग जो कमेंट करते हो कि ये कैसे होता है वो कैसे, अरे वो सब जाए उसको छोड़ो। जब आप उस लायक उस लेवल पे पहुंचोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको भी खोज लोगे। अभी जो ज़रूरत है, जितने में हमारा काम चल सकता है उतने लायक बन जाओ, उसके बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो तब तक आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूँगा। अभी तो हमको ही ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको क्या होता है। तो फिर ये अभी हमारा ओके हो गया है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप लोगों को जितना जानता हूँ उतना तो सिखा ही सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।